कुछ अरसे पहले साइंसदानों ने खुशखबरी सुनाई थी कि मौसमियाती तब्दीलियां कराकुरम में बुलंद ग्लेशियर्स पर असरअंदाज नहीं होंगी। जदीद तहकीक ने बुलंद चोटियों पर मुंजमद बर्फ न पिघलने और साफ पानी के जखायर किसी हद तक महफूज रहने की आस तोड़ दी। हाल ही में पाकिस्तान, नेपाल और जर्मनी के साइंसदानों ने मिलकर कराकुरम के ग्लेशियर्स का डेटा इकट्ठा किया। तहकीक में इंकशाफ हुआ कि गुज़िश्ता 10 साल में जमीन का दर्जा हरारत तेजी से बढ़ा है। कराकुरम ग्लेशियर्स सिर्फ नीचे ही नहीं बुलंदी से भी पिघल सकते हैं। साइंसदानों ने इंतबाह किया है कि ऊँचे ग्लेशियर भी पिघलना शुरू हो गए तो सैलाब आ सकते हैं, लेकिन पेशगी मनसूबा बंदी से फवायद की उम्मीद भी दिला दी। इसको हम पॉजिटिव भी बना सकते हैं, जो इम्प्लीकेशन मतलब ये हमारे पास इसके कंसिक्वेंसेस है। अगर हम इसके लिए तैयार रहे स्टार्ट से, हमने डैम बनाने छोटे बड़े वगैरह, दूसरे हमने किनार सिस्टम में प्रूव करना है, इसके लिए हमें सीरियस होना पड़ेगा। शुमाली इलाका जात के ग्लेशियर्स आइस पोल के बाद दुनिया में साफ पानी का सबसे बड़ा जखीरा हैं। मुस्तकबिल में उनके पिघलने से जहां सतह समुद्र बढ़ सकती है, वहीं ज़राअत बुरी तरह मुतासिर और साफ पानी की किल्लत भी पैदा हो सकती है। आबिद अली, समा, इस्लामाबाद।